हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास थ्री वन टैक तो फ्रेंड्स अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा हो गई है और आपने अभी तक अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाया है और आप चाहते हैं कि मैं अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाऊं तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने वोटर आई कार्ड को ऑनलाइन ही घर बैठे बैठे अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए उसे बनवा सकते हैं और जो आपका वोटर आई कार्ड है वो सारा ये एप्लीकेशन फिलअप करने के बाद सारा प्रोसेस होने के बाद कुछ टाइम बाद आपके घर पर ही पोस्ट के द्वारा आ जाएगा आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है ऑनलाइन कैसे वोटर आई कार्ड के लिए अप्लाई करना है आपको सारा प्रोसेस इस वीडियो में देखने को मिलेगा मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है वीडियो थोड़ी सी बड़ी ज़रूर होगी लेकिन बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए अगर आप इसे पूरा देख लेंगे तो आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी वोटर कार्ड आईडी को बनवाने के लिए तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें और उसे ऑन पे सेट कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं मैंने क्रोम ब्राउजर ओपन किया हुआ है और मैंने एक वेबसाइट खोली हुई है इसका लिंक आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहाँ से जाके इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पे आ जाएंगे ये है नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल यहाँ से आप अपना वोटर कार्ड जो है वो जनरेट करेंगे उसे कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है वो मैं आपको आज सारा डिटेल में सिखाने वाला हूँ तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो अपना एक अकाउंट बनाना है उससे भी पहले आपको ये वोटर पोर्टल का एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे थर्ड नंबर पे आपको इसके ऊपर क्लिक करना है उसके बाद ये इस तरीके से आपके सामने खुल जाएगा अगर आपका इस पे अकाउंट है तो आपको जस्ट लॉग इन करना है और अगर आपका अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे आपको क्रिएट इन अकाउंट का एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको इसके ऊपर क्लिक करना है यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे या फिर अपना मोबाइल नंबर दोनों में से किसी से भी आप रजिस्टर कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डालता हूँ ठीक है मैंने मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दिया है मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे सामने सेंड ओ का ऑप्शन आ जाएगा आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और आपके मोबाइल नंबर पे एक ओ जाएगा तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो इस पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो एक वेरिफिकेशन कोड मेरे पास आ गया है मैं उसे यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ तो मैंने ये कोड यहाँ पे फिलअप कर दिया है इसके बाद मुझे यहाँ पे वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एक पासवर्ड बनाना है पासवर्ड आपको ऐसा बनाना है जिसमें आपके अल्फाबेट भी हो नुमेरिक भी हो और साइंस भी हो जैसे वो डॉलर का साइन होता है हैशटैग का साइन होता है एट द रेट का साइन होता है उनको भी आपको इंक्लूड करना है उन तीनों को मिक्स करके एक पासवर्ड यहाँ पे जनरेट करना है तो मैं जल्दी से यहाँ पे एक पासवर्ड बना देता हूँ उसके बाद यहाँ पे दोबारा उस पासवर्ड को डालना है पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे इस कैप्चा को यहाँ पे सोल्व करना है तो यहाँ पे मैं सोल्व कर देता हूँ इसको और उसके बाद यहाँ पे वी हैव आवर टर्म्स ऑफ सर्विसेज इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है उसके बाद आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी यहाँ पे आपको वेलकम के ऊपर क्लिक करना है और ये आपकी प्रोफाइल आ गई है ये आपसे पूछता है स्टार्टिंग में तो यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है यहाँ पे सरनेम डालना है यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करनी है और जेंडर सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ यहाँ पे सरनेम को आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं उसके बाद यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है उसके बाद ये इस तरीके से आपके सामने खुल जाएगा होम पेज ठीक है आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे आपको सबसे पहले नंबर पर ऑप्शन मिलेगा न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन का तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी यहाँ पे आप देख सकते हैं माई नेम इज वोटर मिंत्रा ये ठीक है इनका एक ये वर्चुअल असिस्टेंट है जो आपको असिस्ट करेगा कि आपको कैसे कैसे क्या करना है आगे ठीक है तो यहाँ नीचे लेट्स स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है आर यू अप्लाइंग फॉर द वोटर आईडी फर्स्ट टाइम पहली बार आप वोटर आईडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे नो है और यहाँ पे यस है तो आप अगर पहली बार कर रहे हैं तो हम यस आई एम अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम इसके ऊपर क्लिक करना है और इस इसपे सेव एंड कंटिन्यू नीचे आपके सामने आ रहा है इस इसपे क्लिक कर देना है उसके बाद ही आपसे पूछ रहा है आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया तो अगर आप इंडियन के सिटीजन हैं और इंडिया में ही रहते हैं तो आपको पहला वाला सेलेक्ट करना है अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं और बाहर रहते हैं इंडिया से तो आपको ये वाला सेलेक्ट करना है सेकेंड वाला और अगर नहीं है तो आपको थर्ड वाला सेलेक्ट करना है तो मैंने फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लिया और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसी एस, स्क्रीन आ जाएगी ठीक है यहाँ पे आपको बोल रहा है डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ आपका जन्म हुआ है ठीक है यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करनी है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है यहाँ पे सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट ठीक है इस डॉक्यूमेंट वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको अपना बर्थ का जो प्रूफ है वो आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है जैसे पैन कार्ड अपलोड कर सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस है इंडियन पासपोर्ट है बर्थ सर्टिफिकेट है, है ठीक है तो इसमें से आप कुछ भी कर सकते हैं क्लास टेन और क्लास ट्वेल्व का सर्टिफिकेट्स भी है मार्कशीट भी कर सकते हैं आधार कार्ड भी कर सकते हैं ठीक है तो वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे कर लेना है उसके बाद उसे यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके अपलोड करना है तो मैं यहाँ पे सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर देता हूँ तो डेट ऑफ बर्थ फिल करते ही मुझे यहाँ पे एक ये लाइन लिखी आ रही है कि जिसका जन्म एक जनवरी 2004 से पहले हुआ है वही वोटर आईडी के लिए रजिस्टर कर सकता है वही एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपका जन्म 2004 के बाद हुआ है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते ठीक है उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन जो है प्लेस ऑफ बर्थ आपका जन्म कहाँ हुआ कौन से गांव में या शहर में हुआ वो नाम आपको यहाँ पे डालना है फिर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करनी है जिस राज्य में आप रहते हैं और फिर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है जिस शहर या गाँव में आप रहते हैं ठीक है तो मैं यहाँ पे ये तीनों चीज़ें फिल कर देता हूँ ठीक है मैंने तीनों चीज़ें यहाँ पर फिलअप कर दी उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट तो हमें यहाँ पे सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं पासपोर्ट का बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करने का पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हो आप इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे पैन कार्ड अपलोड कर देता हूँ ठीक है उसके बाद यहाँ पे अपलोड टू रिलीवेंट डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड पे क्लिक करके आप कर सकते हैं डिजी लॉकर में है तो वहाँ से सिंक्रोनाइज कर सकते हैं और आपका जो फाइल का साइज है वो दो एम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए

ये फॉर्म भरना जरूरी है और आप पहली बार यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वोटर आईडी के लिए तो आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना है इसको यहीं से डाउनलोड कर लेना है और इसे भर के अपना साइन इसमें करके उस फाइल को यहाँ पे सबमिट कर देना है ठीक है मैंने यहाँ कर रखा है फॉर्म तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट सेलेक्ट फाइल टू तो अपलोड पे क्लिक करके इसे यहाँ पे अपलोड करूंगा और इसका साइज भी दो एम बी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और आपको अगर ये सीखना है कि इस डिक्लेरेशन फॉर्म को कैसे भरते हैं तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा ठीक है आप वहाँ से जाके ईजली उसे सीख सकते हैं उसके बाद मैं अब यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ तो मैंने आप पे ये फॉर्म भी अपलोड कर दिया है इसके बाद हमें सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है उसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाता है यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्लीज़ एंटर योर पर्सनल पार्टिकुलर्स ठीक है यहाँ पे आपको अपनी पिक्चर अपलोड करनी है कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए पासपोर्ट साइज और उसका जो साइज़ है वो दो सौ के बी से कम ही होना चाहिए ठीक है इससे ज़्यादा की फोटो यहाँ पे अपलोड नहीं होगी तो आपको अपनी एक फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करनी है तो आपको इस अपलोड पिक्चर पे क्लिक करना है और अपनी एक फ़ोटो को यहाँ पे अपलोड करना है तो मैं यहाँ पे एक पिक्चर अपलोड कर लेता हूँ तो यहाँ पे आपको अपनी फोटो जो है वो क्रॉप करनी है ठीक है यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी फोटो अपलोड हो जाएगी उसके बाद यहाँ पे जेंडर है आपका ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट है जो हमने पहले भरा हुआ है डिटेल वही सारी डिटेल है यहाँ पे नाम है आपका ठीक है यहाँ पे हिंदी में आपका नाम उसके बाद हमें यहाँ पे स्क्रोल डाउन करना है स्क्रोल डाउन करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डिसेबिलिटी का अगर आपको कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है तो आप इसको नो पे ही रहने देंगे एज इट इज मतलब आपको सुनने की प्रॉब्लम या जिसको सुनाई नहीं देता दिखाई नहीं देता उनके लिए है ही उसके बाद हमें यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है उसके बाद हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाता है यहाँ पे हमें एंटर फैमिली मेंबर डिटेल्स ठीक है अपने परिवार में से किसी की भी अगर वोटर आई है तो उसकी आई आप यहाँ पे डाल सकते हैं जैसे आपके फादर मदर की ठीक है उनमें से किसी की भी एक की यहाँ पे डाल सकते हैं आप तो मैं यहाँ पे आई डाल देता हूँ आईडी डालने के बाद यहाँ पे आपका नाम आएगा रिलेटिव का जो भी है जैसे आपने फादर की आईडी डाली है तो यहाँ पे फादर की डिटेल्स आपको डालनी है ठीक है उनका नाम डालना है यहाँ पे यहाँ पे उनका नाम आएगा सरनेम आएगा अगर है तो ठीक है अगर आप लिखना चाहते हैं तो ठीक है और रिलेशन टाइप में यहाँ पे फादर सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे उनका नाम डाल देंगे तो मैं यहाँ जल्दी से नाम डाल देता हूँ तो मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया है उनका ठीक है उसके बाद यहाँ पे रिलेशनशिप टाइप हो गया है हमारा फादर हमने सेलेक्ट कर लिया उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है उसके बाद हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पे आपको अपना हाउस नंबर डालना है ठीक है यहाँ पे स्ट्रीट एरिया लोकेलिटी जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ का जो आपकी कॉलोनी है या फिर सिटी है कोई ठीक है जो गली है वहाँ स्ट्रीट एरिया जो उसका आसपास का है वो डाल सकते हैं आप ठीक है थीके? जो आपका एड्रेस है जो आपने एड्रेस में डाला हुआ है वही यहाँ पे डालना है यहाँ पे पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट करना है आपको ठीक है यहाँ पे टाउन विलेज सिलेक्ट करना है मीन्स आपको ये अपना जो करंट एड्रेस है आपका वो सारी डिटेल यहाँ पे फिल करनी है आपको तो मैं यहाँ पे हाउस नंबर डाल देता हूँ उसके बाद यहाँ पे स्ट्रीट एरिया लोकेलिटी अभी यहाँ पे डालनी है मैं डाल देता हूँ जो मेरा एड्रेस है ठीक है इसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर पे पोस्ट ऑफिस आपको सेलेक्ट करना है उसके बाद यहाँ पे आपको अपना शहर या गांव का नाम डालना है जिसमें आप रहते हैं ठीक है करंट एड्रेस में है जो वो मैं तो मैं अपना शहर का नाम डाल देता हूँ उसके बाद यहाँ पे एरिया टाइप है नीचे इसके ऊपर क्लिक करना है आपको जिस भी शहर सिटी में रहते हैं आप सिटी में रहते हैं टाउन में रहते हैं विलेज में रहते हैं वो सिलेक्ट कर लेना है उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पिन कोड डालना है उसके बाद आपको यहाँ पे ये यह ऑप्शन दे रहा है फाइंड योर कंसल्टेंसी इन द मैप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं या एंटर योर मैनवली भी सिलेक्ट कर सकते हैं तो हम मैप में सिलेक्ट करते हैं थोड़ा सा इसे स्क्रोल डाउन करते हैं पेज को ठीक है यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट तो यहाँ पे हमने तीनों चीजें सिलेक्ट कर ली हैं और अगर आप चाहें तो यहाँ मैनुअली पे क्लिक करके मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं इन तीनों चीजों को उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट योर एड्रेस प्रूफ नीचे आपको अपना एड्रेस प्रूफ डालना है इस इसपे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं अपना लास्ट ईयर का विद इन लास्ट ईयर का वाटर बिल आप लगा सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा सकते हैं कनेक्शन बिल लगा सकते हैं गैस के ठीक है पासपोर्ट की लगा सकते हैं वन ईयर ओल्ड अकाउंट ठीक है विद इन वन ईयर में जो भी आपका लेटेस्ट है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं रेंट एग्रीमेंट वाली कॉपी लगा सकते हैं ठीक है और आपका राशन कार्ड है इनकम टैक्स है इंडियन पासपोर्ट है तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं आपको जो आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेता हूँ तो मैंने इसमें बिल सेलेक्ट कर लिया यहाँ से अपलोड सेलेक्ट कर लिया उसके बाद सिलेक्ट फाइल करेंगे और टू एम से ज़्यादा साइज नहीं होना चाहिए ठीक है मैं यहाँ पर फाइल अपलोड कर देता हूँ तो मैंने यहाँ पे अपना एड्रेस प्रूफ अपलोड कर दिया है उसके बाद मुझे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं उसके बाद हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा इसमें डिक्लेरेशन है ठीक है तो यहाँ पे आपको वो डालना है जब से आप जिस जगह पे रहते हो इस एड्रेस पे जो आपने डाला है इस पे आप कब से रहते हो तो यहाँ से आप अपना बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है आपके बर्थ का ईयर यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको मंथ सेलेक्ट कर लेना है ठीक है तो मैं दोनों चीज़ें सेलेक्ट कर लेता हूँ उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे ये डेटा आ गई जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं एंटर प्लेस यहाँ पे बोल रहा है तो यहाँ पे आप प्लेस डाल देंगे यहाँ पे आपको नाम डालना है एंटर नेम ऑफ द एप्लीकेंट जिस नाम से आप अप्लाई कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे वो चीज़ आएगी तो मैं इन दोनों चीज़ों को फिलअप कर देता हूँ प्लेस का मतलब है जहाँ पे आप रह रहे हैं इन दोनों को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है उसके बाद आपके सामने इस तरीके से फॉर्म आ जाएगा आपका जो भी आपने भरा है इसमें सारी चीजें आपको चेक कर लेनी है जो भी आपने इसमें भरी हैं सारी चीजें यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे आप पूरा इसमें दिया हुआ है सब स्क्रोल करके देखेंगे सारा पूरा फॉर्म आ जाएगा अगर इसमें कुछ चेंज करना है तो यहाँ एडिट फॉर्म पे क्लिक करना है नहीं तो हमें सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है तो सबमिट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेसन आ गया है विकास यू हैव सबमिटेड योर एप्लीकेशन फॉर न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली ठीक है यू एप्लीकेशन रेफरेंस आईडी आ जाएगी यहाँ पे इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं ट्रैक करने के लिए अपने स्टेटस को तो मैं इसको स्क्रीन ले लेता हूँ यहाँ से तो इस तरीके से आप वोटर आई कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन तो फ्रेंड्स मैंने अब आपको अच्छे से सिखा दिया है कि आप किस तरीके से वोटर आई कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अगर फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो इसे लाइक like और शेयर जरूर करें थैंक यू